गोरखपुर शहर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी बनने के बाद गुरुवार को पहली बार रवि किशन गोरखपुर पहुंचे। इस दौरान सहजनवान, नौसड़ और ट्रांसपोर्ट नगर में उनका स्वागत किया गया। यहां रवि किशन ने लोगों से कहा कि यह मोदी और योगी की सुनामी है, जनता मोदी को फिर से पीएम चुनने जा रही है। उन्होंने यूपी में 73 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। बीच बीच में वो भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव का नारा लगाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरते रहे। कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस बीच रवि किशन ने कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ हाथ मिलाया और बुजुर्गों का हाथ अपने सिर पर रखकर आशीर्वाद लिया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। रवि किशन ने कहा कि मोदी और योगी के आशीर्वाद से लड़ रहा हूं, सारथी के रूप में गोरखपुर आया हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन ने कहा, thank you।
हर प्रकार से आपको तो सबसे बैठिए कोई जिस दिन मेरा है लोग आए तभी मैंने कहा भाई पार्टी के साथ जो है सुबह मीठा छोटे भाई घर में अरे चलो अरे अरे इसमें क्या राहुल हम तो विचारधारा के सिपाही है जुड़ल बड़ा इसमें भी थोड़ा है जरा तो बोल लो पूरा गांव टूट पड़ी आपके हमारी कमाती साहब उनको हम आएंगे तो हल्के लेटे हुए थे लेकिन हम इनसे कहा था जो माला वाला मंगा ही दिया फिर सब कहीं कहीं भेंट होगी देखो सही हुई है क्या मैं एक मिनट जा सर दही दही चीनी जरा शुभ जाते बहुत अच्छा है बचा है तुम लोग खाने से नहीं इसे अगर हो तो कुछ ले आओ हमारे छोटे भाई हो हमारे तो कुछ मांगा ही नहीं धागे लाओ Yeah.
जय बाबा गोरक्षनाथ, जय बाबा गोरक्षनाथ। देखिए गोरक्षनाथ बाबा का आशीर्वाद है, मोदी जी का आशीर्वाद है, योगी जी का आशीर्वाद है, गोरखपुर की जनता का आशीर्वाद है। और भारत सरकार ने जो काम किया है, योगी सरकार जी ने जो काम किया है, वो उसका फल आप देख रहे हैं। सुनामी आई है और एक ऐतिहासिक जीत है भारतीय जनता पार्टी की और हम सारे चौकीदारों की।